हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टीसीएस कैंपस विजिट मेल। सो गाइस, टीसीएस एनक्यूटी की तरफ से एक बिगेस्ट अपडेट आई है। टीसीएस एनक्यूटी की तरफ से काफी स्टूडेंट्स को कैंपस विजिट मेल आई है। अब भैया, कैंपस विजिट मेल क्या है, कब तक हमारी ज्वाइनिंग होगी, ये सारी चीज आज की इस वीडियो के अंदर हम कन्फर्म करने वाले हैं। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स हैं। सो अगर आप लोग को टीसीएस के सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कनेक्ट होना है एंड उनसे चीजें पूछनी है, डाउट क्लियर करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कनेक्ट हो सकते हो। आप किसी भी कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कनेक्ट हो सकते हो। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। डायरेक्टली आ जाना है आपको टॉममेट पे, एंड यहाँ पे आप अपना रेज्यूमे रिव्यू करा सकते हो, मॉक इंटरव्यूज दे सकते हो, एंड यहाँ पे आप अपना रेफरल भी ले सकते हो। आपको यहाँ पे सर्च करना है, देखो आपको टीसीएस के सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ कनेक्ट होना है या किसी भी कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ कनेक्ट होना है, आप यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो। यहाँ पे आपको सर्च करना है, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको सर्च करना है आई एम लुकिंग फॉर टीसीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एंड जो भी आपके डाउट्स है वो आप कनेक्ट करके चीजें पूछ सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लिस्ट आ जाएगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट द टीसीएस, विनय गुप्ता इंजीनियर एट द टीसीएस, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर टीसीएस के अंदर मिल जाएंगे, एंड इनसे कनेक्ट होकर आप चीजें पूछ सकते हो, वन टू वन मीट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा टॉममेट का, जाओ जाके अपने जो भी डाउट है वो कवर कर लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स रहते हैं कि भैया हमें टीसीएस के सॉफ्टवेयर के इंजीनियर के साथ कनेक्ट होना है, अब लिंक्डइन पे आपको रिप्लाई नहीं मिलते हैं। सो यहाँ पे आप वन टू वन मीट करके अपनी चीजें सॉल्व करा सकते हो। तो जाओ जाके अभी अभी चेकआउट कर लो। अब बात करते हैं हम ईमेल की। मैं आप लोग को ईमेल दिखा देता हूँ। काफी स्टूडेंट्स को ईमेल रिसीव हुई है, इन्विटेशन वर्क प्लेस विजिट एट टीसीएस गीतांजलि पार्क 9th June 2025। अब ये काफी स्टूडेंट्स को ईमेल रिसीव हुई है, एंड 9 जून मतलब टूडे, ये काफी स्टूडेंट्स को ईमेल रिसीव हुई है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अब तक ईमेल रिसीव नहीं हुई है, तो बहुत जल्दी आप लोग को भी ईमेल रिसीव हो जाएगी। बिल्कुल भी टेंशन लेने की नीड नहीं है, एंड जो भी आपके डाउट्स हैं लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जो भी आपको लगता है आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स का मैं रिप्लाई दे सकता हूँ मैं रिप्लाई दूंगा, एंड अगर आपको ईमेल रिसीव हुई है या नहीं हुई है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। अब एक बार ईमेल देख लेते हैं। टीसीएस कॉन्फिडेंशियल, डियर कैंडिडेट, ग्रीटिंग फ्रॉम टीसीएस, we are delighted to invite you to a special workplace visit at our TCS Gitanjali Park, Kolkata office on 9 June Monday. So, ये कोलकाता के किसी स्टूडेंट्स की मेल है। TCS Gitanjali Park, Kolkata office के अंदर 9 June को आपकी एक workplace visit हुई है। This visit is designed to help you get acquainted with the TCS work environment, interact with our team and take a step closer to your exciting journey with us. तो बहुत जल्दी आपकी ज्वाइनिंग डेट भी हो जाएगी। जितने भी स्टूडेंट्स को ईमेल आ चुकी है, ये सिर्फ आपकी एक विजिट थी जिससे आप एक बार ऑफिस विजिट करके आओ, आप एनवायरनमेंट देख के आओ, आप टीम से इंटरेक्ट करो, आप चीज़ों को देखो कि कैसा उनका ऑफिस है, क्योंकि देखो आपको काम करना है वहाँ पे। तो ये आपकी एक वर्क प्लेस विजिट है। तो होप्स हो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी विजिट कर ली होगी, एंड अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ईमेल नहीं आई है। तो गाइज बहुत जल्दी आप लोग को भी ईमेल आ जाएगी, सो डोंट वरी। अब हम बात करने वाले हैं ज्वाइनिंग डेट्स की। सो मैं आपको बता देता हूँ ज्वाइनिंग डेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर। आप 3 मंथ्स के बीच अपनी ज्वाइनिंग डेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड मैं बताया था उनका क्वार्टर का हिसाब चलता है, क्वार्टर के अंदर इनके 3 मंथ्स रहते हैं, ठीक है, इनका 3 मंथ्स क्वार्टर का हिसाब रहता है। एंड अगर आपको जुलाई अगस्त सितंबर के अंदर आपकी ज्वाइनिंग डेट रिसीव नहीं हुई है, फिर इनका नेक्स्ट क्वार्टर चलेगा, चाहे वो नवंबर से चले, नवंबर दिसंबर जैन, या वो दिसंबर जैन फरवरी से चले, ठीक है। बट आपकी ज्वाइनिंग डेट भी बहुत जल्दी, आपकी ज्वाइनिंग भी बहुत जल्दी रिसीव हो जाएगी, एंड ज्वाइनिंग भी डिपेंड करेगी पीपल टू पीपल, कब आपके रिजल्ट आए हैं। एंड ये नहीं होगा कि सब स्टूडेंट्स की जुलाई में हो जाएगी, अगस्त में हो जाएगी, सितंबर में हो जाएगी। देखो आपकी बीटेक एंड हो चुकी है, अब बीटेक एंड होने के बाद टीसीएस या फिर एसेंचर जितने भी सर्विस बेस्ड कंपनी है, ये आपकी कंप्लीट बीटेक के बाद ही आपको ज्वाइनिंग देती है, यह बात आप सभी स्टूडेंट्स को पता है। सो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ऐसा नहीं होगा सभी स्टूडेंट्स की आ जाएगी एक साथ ज्वाइनिंग आ जाएगी, चंक्स में बैचेस की फॉर्म में यहाँ पे ज्वाइनिंग आती है। कुछ स्टूडेंट्स की ज्वाइनिंग आ गई अगस्त में, कुछ की आ गई दिसंबर के अंदर, ठीक है, कुछ किया कि जैन के अंदर। तो ऐसे इनके चंक्स के फॉर्म में इनकी ज्वाइनिंग रहती है। सो अगर किसी भी स्टूडेंट की, आपके फ्रेंड की ज्वाइनिंग आ जाती है अगस्त के अंदर, सितंबर के अंदर, सो ये बिल्कुल भी डाउट मत रखना कि भैया अभी हमारी नहीं आई है, क्या हमारी लेट आएगी। सो हर एक स्टूडेंट की थोड़ा सा टाइम पीरियड का डिफरेंट रहेगा, बट ज्वाइनिंग हर स्टूडेंट्स की आ जाएगी। सो ये आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस बता दिया मैंने आपको, ईमेल बता दी। अब जितने भी स्टूडेंट्स की अपकमिंग ईमेल आएगी, प्लीज़ विजिट जरूर करके आना एक बार। इस जो वर्क प्लेस विजिट है ये बहुत नेसेसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विजिट करके आना एक बार, टीसीएस का ऑफिस देख के आना, टीम से मिल के आना, वहाँ का एनवायरनमेंट देख के आना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है, ज्वाइनिंग की हमने बात कर ली है। एंड अगर आपका कोई भी डाउट हो तो
आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। टीसीएस के सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ अगर आपको कनेक्ट होना है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको बता दिया, टॉमेट पे जाओ, वहाँ पे कनेक्ट हो जाओ। देखो लिंक्डइन पे आप मैसेज करोगे रिप्लाई आपको नहीं मिलने वाला है, सो आप जाके 1-to-1 मीट करो, जो भी डाउट है वो उनसे क्लियर कर लो। सो गाइज होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।